आखिरी चरण के चुनाव में तूफानी प्रचार के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमापित राम त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला भी बोला। बता दीजिए, मैं आप सब पर भरोसा करता हूं, सब लोग अगर आप सब लोग केवल 19 तारीख के मतदान के लिए कमर खिलाने के लिए अपना समय लगाने का संकल्प लेकर के यहां से जाइए, ये सपा बसपा गठबंधन की हवा तो देश की जनता प्रदेश की जनता पहले ही निकाल चुकी है, देवरिया में हवा निकालना बाकी है। साइकिल को तो आपने 2017 में ही खंड खंड करने का काम किया, हाथी को जीरो पर आउट करने का काम किया था, याद है कि नहीं याद है? ये बिहार से आकर के गुंडों और माफियाओं का यहाँ कोई बोलबाला देवरिया में हो? देवरिया शांतिप्रिय क्षेत्र है, कृषि में अपनी की प्रधानता रखता है, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आगे बढ़ना चाहता है, और आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी जैसे एक शालीन सरल व्यक्तित्व के धनी और मेरे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।